हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का चैप्टर वन स्टडी करने वाले हैं। कंप्यूटर के चैप्टर वन में जितना भी टॉपिक है उसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जितना भी एक्टिविटी है उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें कि हम सारे एक्टिविटीज़ को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो मैं बता दूँ कि इस चैनल पर हम DAV क्लासिक्स के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अगर आप भी DAV में क्लास सिक्स में पढ़ाई कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन का टॉपिक है लेट अस एक्सप्लोर आवर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें बेसिकली हमें कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। अब देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का क्या है, यानी कि इस चैप्टर में मेनली हमें क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है वो हमें पढ़ना है। सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोनों में हमें डिफरेंस क्या है वो पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट है अप्रिशिएट द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है वो हमें पढ़ना है। एंड द लास्ट वन लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोप्राइटरी लाइसेंस फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये चारों चीज, चारों जो टर्म यहाँ पे दिया है ये भी हमें पढ़ना है। अब देखो चैप्टर को अच्छे से स्टडी करने के लिए जितना भी माइंड मैप अभी है उसको पहले कॉपी में नोट डाउन कर लो। इससे क्या होगा कि तुम डिफरेंट टॉपिक को कनेक्ट कर पाओगे, जब रिलेट कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला जो माइंड मैप है यहाँ पे वो है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का दो कंपोनेंट है, यानी कि कंप्यूटर दो चीज से मिलके बना है। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो पहले पॉज करना है वीडियो को, उसके बाद ड्रॉ करना है, फिर प्ले करना है वीडियो को, ठीक है। अब देखो ये हो गया फर्स्ट माइंड मैप, इसी के नीचे बनाना है नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पेज पे जो आ रहा है। हार्डवेयर फिर दो पांच टाइप का होता है, ठीक है, ये है ना हार्डवेयर, फिर इसके नीचे पाँच बनाना है। अब देखो पाँचों क्या क्या है, एक है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ये पाँचों को, तो इसके नीचे इसको ड्रॉ करोगे ये पांचों को, ठीक है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर के नीचे भी कुछ है, सॉफ्टवेयर का नीचे सॉफ्टवेयर के नीचे जो है उसको भी इसी तरीके से ड्रॉ करना है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ड्रॉ करोगे सॉफ्टवेयर के नीचे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद है एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का दो टाइप है, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। तो यहाँ पे ड्रॉ करोगे इसका दो टाइप, सिंगल यूजर मल्टी यूजर। उसके बाद इसका तीन टाइप है, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस और कस्टम। तो इसके नीचे भी ड्रॉ करोगे तीन, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस और कस्टम। इसका और तीन टाइप है जो कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। वो डायग्राम में नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो इस तरीके से माइंड मैप तीनों बना लो, तीनों, ये फर्स्ट हो गया माइंड मैप, ये सेकेंड और ये थर्ड। उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या कहता है, अ कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स द इनपुट एज रॉ फाइल्स, रॉ डेटा। ये डेटा को लेता है, इनपुट लेता है, उसके बाद क्या करता है, प्रोसेसेस इट इनटू इंफॉर्मेशन। उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और मीनिंगफुल फैक्ट्स उसको बोल सकते हैं। एंड देन आफ्टर गिव्स एन आउटपुट, और उसके बाद हमें एक प्रॉपर आउटपुट देता है जैसा हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर में हम एक कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ खुलेगा। अब कैलकुलेटर में तुम एंटर करोगे 5 + 5, ये क्या हो गया, ये इनपुट हो गया। अभी इस इनपुट को ये प्रोसेस करेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत कम समय लेता है ये प्रोसेस करने में। प्रोसेस करने के बाद हमें ये आउटपुट देगा जो कि देगा 10। ये जो आउटपुट देगा स्क्रीन पर 10। तो ये हो गया, हमने जो एंटर किया 5 + 5 वो इनपुट हो गया। उसके बाद इसने जो प्रोसेस किया उसको सॉल्व किया, ये प्रोसेसिंग हो गया। उसके बाद जो 10 हमें रिजल्ट मिला ये आउटपुट हो गया। तो कंप्यूटर बेसिकली ये तीन स्टेप में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। उसी चीज़ का यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाया गया है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से हम इनपुट देते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस या प्रोसेसर या CPU से ये डेटा प्रोसेस होता है। उसके बाद हमें आउटपुट डिवाइस के हेल्प से ये इसका इंफॉर्मेशन आउटपुट मिल जाता है। अब देखो उसी चीज़ को यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में दिया गया है। इनपुट डिवाइस के हेल्प से हम डेटा या रॉ डेटा यहाँ पे इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, उसके बाद प्रोसेसर और CPU मिलके उसको प्रोसेस करता है। एंड देन आफ्टर हमें आउटपुट मिलता है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर सिस्टम का इसी तरीके से वर्किंग है।
अब देखो कंप्यूटर दो टाइप में डिवाइड, कंप्यूटर का कंपोनेंट दो टाइप का होता है, एक होता है हार्डवेयर एक होता है सॉफ्टवेयर। माइंड मैप जो मैंने बनवाया था उसमें देख सकते हो। हार्डवेयर का डेफिनेशन क्या कहता है, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। जितना भी कंप्यूटर कंपोनेंट है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर बोलेंगे। चाहे वो कीबोर्ड हो या माउस हो या मॉनिटर हो या सीपीयू हो या प्रिंटर हो, ये सारे डिवाइसेस हार्डवेयर कहलाएंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए यहाँ पे एनालॉजी दिया हुआ है। एनालॉजी मतलब होता है किसी भी एक टॉपिक को किसी अदर टॉपिक के एग्जाम्पल से समझना। अब देखो हमें कंप्यूटर के बारे में समझना है लेकिन हमें ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल दिया है, कंप्यूटर के बारे में समझना है लेकिन हमें टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल दिया है। तो जैसे देखो हार्डवेयर को समझने के लिए हम ह्यूमन से कंपेयर कर सकते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर में जैसे हार्डवेयर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वैसे ह्यूमन बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में जैसे है बोन्स, मसल्स, स्किन, ब्लड, ये सब क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी का हार्डवेयर है। उसी तरीके से बुक्स में डिफरेंट पेजेस जो है वो क्या है, हार्डवेयर है। पेजेस क्या है, हार्डवेयर। तो ये एनालॉजी हो गया। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच गवर्न स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को स्मूथली वर्क करने में सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। अब इसका एनालॉजी सॉफ्टवेयर समझने के लिए क्या दिया गया है, सॉफ्टवेयर इज ऑल द थॉट्स एंड मेंटल प्रोसेसेस दैट टेल आवर बॉडी पार्ट्स व्हाट टू डू। जितना भी थॉट्स है, जो भी मेंटल प्रोसेस है जो कि हमारे दिमाग में चलता है, जो कि हमें बताता है कि हमारे बॉडी को क्या करना चाहिए, कब हम क्या करेंगे, हमारे हमारा एक्शन क्या होगा, ये सब में जो मैनेज करता है हमारा दिमाग है ना, इसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। उसी तरह दूसरा एनालॉजी क्या दिया है, सॉफ्टवेयर इज ऑल द लेटर वर्ड सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, वो सारे सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यही चीज है, कंप्यूटर में जिस चीज को हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर। अब देखो यहाँ पे हैंड्स ऑन दिया गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्टिविटी, सारे नेक्स्ट अलग वीडियो में ये सब आएगा। यहाँ पे अभी हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं। माइंड मैप में देखते जाना अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम कहाँ पे हैं, टाइप कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कंपोनेंट दो होता है, कंप्यूटर का दो कंपोनेंट होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर अभी हम टाइप्स ऑफ हार्डवेयर देख रहे हैं, फाइव टाइप्स के अभी हम यहाँ पे हैं, तो माइंड मैप हमेशा देखते रहना। हार्डवेयर फाइव टाइप्स के होते हैं, पहला इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है स्टोरेज, आउटपुट एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब देखो इनपुट और आउटपुट तो पिछले क्लास में पढ़े होगे, क्लास फिफ्थ में है ना, तो इसको और अच्छे से समझो ताकि कभी भूलो नहीं और कभी कंफ्यूजन इसमें ना हो। इनपुट डिवाइस वो सारे डिवाइसेस को बोलते हैं जिससे जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर को किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन देते हैं, हम देते हैं किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो सकता है। हम कंप्यूटर को जब देना चाहते हैं किसी तरीके से देते हैं तो हम उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसी तरीके से आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, अगर कंप्यूटर से हम किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जिस डिवाइस के हेल्प से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अब देखो इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे हमें कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करना है तो हम कैसे टाइप करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा, अगर हमें कंप्यूटर में कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करना है तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेबकैम। वेबकैम के हेल्प से हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये कैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है, वेबकैम के हेल्प से। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट, अगर हमें कंप्यूटर में ऑडियो इन्फॉर्मेशन भेजना है तो कैसे हम सेंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ माइक। माइक में हम रिकॉर्ड करेंगे अपना वॉइस, तो माइक से कंप्यूटर में वॉइस चला जाएगा। उसके अलावा और क्या है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है हमें कंप्यूटर में इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म में अगर हमें सेंड करना है, कोई भी हार्ड कॉपी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, उस पेज को, उस फाइल को क्या करेंगे, स्कैन कर देंगे स्कैनर के हेल्प से। तो स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे हो गए इनपुट डिवाइस। अब देखो आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस वो सारे डिवाइस को कहते हैं जिससे हमें आउटपुट मिले, हमें डाटा मिले। तो डाटा किससे किससे हमें मिलता है, कंप्यूटर में कुछ भी डाटा हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई फाइल हो सकता है। तो उसे हम कैसे देख पाते हैं, सिर्फ हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे, मॉनिटर से। तो मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस। उसके अलावा और क्या है, कोई भी फाइल को जब हम प्रिंट कर देते हैं तो प्रिंटर से, ये भी आउटपुट डिवाइस है, PRINTER, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। उसके अलावा और क्या आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर जो हो गया आउटपुट डिवाइस है,
तो इस तरह से इनपुट और आउटपुट डिवाइस में हमेशा क्लियर रहना है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इनपुट डिवाइस से हम इंफॉर्मेशन देते हैं और आउटपुट डिवाइस से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कंप्यूटर से। अब जो बाकी का तीन है उसको देखो, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस से क्या होता है, अब मैंने बताया था ना कंप्यूटर का काम है इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना। तो ये जो प्रोसेस करने का काम होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस का काम होता है। ये कौन करता है? प्रोसेसर करता है, प्रोसेसर करता है। और ये कहाँ लगा होता है? सीपीयू में लगा होता है। उसके बाद है थर्ड है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस किसी भी डेटा को स्टोर करके कंप्यूटर में रखता है ताकि हम फ्यूचर में उसको ओपन कर सके। तो स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में जो लगा होता है उसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, शॉर्ट में SSD कहलाता है वो। हमारे फ़ोन में भी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसको हम SD कार्ड बोलते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? स्टोरेज डिवाइस हो गए। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? पेन ड्राइव, ये भी स्टोरेज डिवाइस हो गया। तो ये सारे डिवाइस क्या हो गए? स्टोरेज डिवाइस। अब देखो कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स होता है टू पासिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम इंफॉर्मेशन कैसे कैसे पास करते हैं? अभी क्या पॉपुलर वे है इंफॉर्मेशन पास करने का? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल जब भी हम करते हैं तो कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है? वही सारे डिवाइस कम्युनिकेशन डिवाइस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा वेबकैम यूज होता है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, जो भी वेबकैम है, वेबकैम ये कम्युनिकेशन डिवाइस कहलाएगा। उसके अलावा हमारा मॉनिटर यूज होता है, मॉनिटर। उसके अलावा हमारा माइक यूज होता है। माइक के अलावा और क्या यूज होता है? स्पीकर। तो ये चार चीज जो है इम्पोर्टेंट चीज है, किस चीज के लिए? वीडियो कॉलिंग करने के लिए। तो ये सारे डिवाइसेस को हम बोलेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी देखो हमने क्या पढ़ लिया? टाइप्स ऑफ हार्डवेयर पढ़ लिया। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हमने देखा था दो, माइंड मैप में याद रखना, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दो था, एक था हार्डवेयर और दूसरा था सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के टाइप हमने देख लिए, अब हम सॉफ्टवेयर के टाइप देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो सॉफ्टवेयर का जो टाइप है, दो टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको ध्यान से देखो। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर ऑफ द मशीन। अब देखो सिस्टम मशीन में यानी कि किसी भी कंप्यूटर में जितना भी हार्डवेयर लगा है वो तो हमारा लैंग्वेज नहीं समझता है, हम इंग्लिश बोलते हैं हिंदी बोलते हैं वो तो नहीं समझता है, लेकिन एक इंटरप्रेटर होता है जो क्या करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर कंप्यूटर जो होता है उस अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स देता है। तो वो जो बीच में मेडिएटर जो होता है, बीच का जो होता है जो दोनों लैंग्वेज समझता है, हमारा भी और कंप्यूटर का भी, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो उसका डेफिनेशन क्या कहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर ऑफ द मशीन। इसको और ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी एक कोई भी स्पेसिफिक टास्क करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर वीडियो देखते हो, वीडियो जैसे प्ले करोगे तो क्या होगा, अपने आप स्पीकर ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले ऑलवेज ऑन रहेगा। तो ये सब काम, ये सब चीज को कौन कंट्रोल करता है? ये सब चीज को कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लैपटॉप्स में विंडोज रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और हमारे हमारे फोन में एंड्रॉयड रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली। ठीक है, उसके अलावा भी जो होता है वो हम आगे देखेंगे। अब देखो दूसरा है सॉफ्टवेयर का टाइप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिस सॉफ्टवेयर को हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, कोई भी स्पेसिफिक काम के लिए अगर हम डाउनलोड करते हैं अलग से, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोन में अगर हम फोन में देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो प्ले स्टोर से जितना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। और अगर हम कंप्यूटर में देखें, विंडोज इंस्टॉल होने के बाद जितना सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, MS पेंट हो, किसी भी टाइप का गेम हो, वो सारा सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले हम अभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है इसका अभी हम डिटेलिंग पढ़ेंगे, माइंड मैप में देखते रहना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या क्या पार्ट होता है वो सब हम पहले पढ़ेंगे। तो अभी चलो सिस्टम सॉफ्टवेयर को आगे देखते हैं क्या क्या होता है इसका पार्ट। तो इन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझने के लिए यहाँ पे एक और अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, ATM मशीन। ठीक है, ATM से भी अच्छा एग्जाम्पल एक और है, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन तो सबके पास होगा ना, तो मोबाइल फोन जो होता है इसमें हम समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। इसमें क्या है? एक एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड इंस्टॉल्ड है। एंड्रॉयड इंस्टॉल्ड है तभी तो फोन पावर बटन दबाने से ऑन हो जाता है। अगर इसमें एंड्रॉयड इंस्टॉल्ड ही नहीं होगा तो ये पावर बटन कितना भी दबाते रह जाओगे फोन बूट ही नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी लिखेगा ही नहीं, यहाँ पे ना ब्रांड लिखेगा, ना ऑन होगा, ना यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया आएगा, ना यहाँ पे मेन्यू का आइकन आएगा, कुछ नहीं आएगा, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड्रॉयड। तो ये जो एंड्रॉयड है ना,
यही बस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद एंड्रॉयड, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर, ये जो फोन है इसको ऑन कर दिया एंड्रॉयड। ऑन करने के बाद तुम्हें दिखा एक प्ले स्टोर का आइकन, प्ले स्टोर के आइकन पे क्लिक करके तुम क्या किए, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए उसको हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब उसी को हम एटीएम में देखते हैं, एटीएम में क्या होता है। एटीएम में बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं, है ना, जैसे कि स्क्रीन बटन, रिसिप्ट प्रिंटर, कार्ड रीडर, स्पीकर, डिस्प्ले स्क्रीन, कैश डिस्पेंसर, कैश डिस्पेंसर से पैसा निकलता है, डिपॉजिट स्लॉट से पैसा हम लोग डालते हैं अपने अकाउंट में, उसके बाद कीपैड, तो ये सारे हार्डवेयर इसमें लगे होते हैं। अब देखो इन सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, वही यहाँ पे लिखा गया है, कार्ट रीडर मशीन, कैश डिस्पेंसिंग मशीन, रिसिप्ट प्रिंटर, टच स्क्रीन मॉनिटर, ऑल दीज हार्डवेयर डिवाइसेस आर कंट्रोल्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम इसको प्रेस करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन इसको मिलेगा, उसके बाद ये रिस्पॉन्ड करेगा उस हिसाब से, तो ये काम किसका है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या क्या काम है, जब जैसे हम कार्ड इंसर्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर रीड कर लेता है उसको, उसके बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन कर देता है, वो जो एप्लीकेशन ओपन होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा हमारा कार्ड अगर वैलिड होगा तो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद यहाँ पे तीन चार ऑप्शन देगा, ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, कैश विड्रॉल यानी कि पैसा निकालने का, बैलेंस इंक्वायरी यानी कि बैलेंस चेक करने का, मिनी स्टेटमेंट यानी कि हमारा जो भी लास्ट 5 ट्रांजेक्शन है वो सब हमें देखने का ऑप्शन मिल सकता है। तो ये सारे ऑप्शन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें दिखता है, उसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी हम कहाँ पे हैं पहले ध्यान में रखना है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का टाइप हम पढ़ चुके थे, अभी हम सॉफ्टवेयर का टाइप पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर का टाइप क्या क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं वो अभी हम पढ़ रहे हैं। माइंड मैप देखते रहना तब समझ में आएगा अभी हम कहाँ पे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक डेफिनेशन क्या कहता है, सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने बताया कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप में क्या होता है या कंप्यूटर में क्या होता है, विंडोज, विंडोज इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद फोन में क्या है, एंड्रॉयड, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो टाइप का होता है जो कि अब हम यहाँ पे पढ़ना है। पहला टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे उससे और अच्छे समझ में आएगा। दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है विंडोज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हम कहते हैं क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब विंडोज एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा है मैक ओएस, तीसरा है एंड्रॉयड, फोर्थ है उबंटू, फिफ्थ है यूनिक्स, ये सारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो ध्यान से, एक और है मैक आईओएस, है ना, एक और है आईओएस। अब देखो एंड्रॉयड और आईओएस ये दोनों जो है मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, और ये जो विंडोज है, मैक ओएस है, उबंटू, यूनिक्स, ये सब क्या है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मार्केट में है सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, साथ ही साथ बैकअप सॉफ्टवेयर जो भी है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। एंटीवायरस क्या करता है, जितने भी स्पाईवेयर है, जितने मालवेयर है, जितने भी वायरसेस हमारे कंप्यूटर को अटैक कर सकते हैं उससे हमें बचाता है। तो ये भी बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है बैकअप, बैकअप सॉफ्टवेयर क्या करता है, बैकअप सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में जितना भी डेटा स्टोर है उसको बैकअप करके, बैकअप बना के रखता है ताकि हम उसको फिर से रीस्टोर कर सके अगर हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाए, यानी कि हमारे कंप्यूटर से अगर सारा डेटा डिलीट भी हो जाए तो हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकअप सॉफ्टवेयर। तो ये दो टाइप हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसका दो टाइप हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब नेक्स्ट देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसको पढ़ेंगे। माइंड मैप में हमेशा देखते रहना अभी हम कहाँ पे हैं। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को
कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और हमें डिजायर्ड आउटपुट देता है, जो हमें चाहिए वो आउटपुट देता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लड़का है, इसका नाम है डोबो, इसको मूवी देखना है, ठीक है, इसको कंप्यूटर में कोई वीडियो देखना है। अब डोबो क्या है, ये यूज़र है, इसके पापा हैं जो भी हैं, ये यूज़र है। अब इन्हें कंप्यूटर में जब मूवी देखना है तो ये क्या करेंगे, ये यूज़र है, ये एप्लीकेशन को इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, ये मूवी को प्ले करेंगे। जैसे कि कंप्यूटर में कौन सा प्लेयर होता है, VLC प्लेयर होता है, VLC प्लेयर को ऑन करेंगे। जैसे VLC प्लेयर को ऑन करेंगे कंप्यूटर में, उसके बाद ये इसका स्पीकर जो है ये भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, वीडियो प्ले होगा, डिस्प्ले भी ऑलवेज ऑन रहने लगेगा। तो ये सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, इस सबको कंट्रोल कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि हाँ अब आपको ऑन हो जाना है, मूवी चल रहा है स्पीकर को ऑन हो जाना है, डिस्प्ले ऑफ नहीं होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन कौन दे देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वही यहाँ पे दिया गया है, डोबो इज अ यूजर, मीडिया प्लेयर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मीडिया प्लेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो एक स्पेसिफिक काम के लिए अलग से डाउनलोड होता है वो। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या मैक हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर मीडिया प्लेयर इंस्टॉल है। और फोर्थ है हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या हो सकता है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे कौन कौन सा डिवाइस यूज होगा, एक तो मॉनिटर यूज होगा, उसके बाद स्पीकर यूज होगा, तो ये दोनों डिवाइस मूवी देखने के लिए यहाँ पे यूज हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे डू यू नो में एक इम्पॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसको बोलते हैं, अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर फॉर आवर कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। एक इंसान होता है, एक इंजीनियर होता है, जो क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, बहुत सारा बहुत टाइप का कोडिंग करता है, बहुत तरीके से वो मेहनत करता है, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर बनाता है जिसे हमारा किसी भी टाइप का नीड पूरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब भी एक सॉफ्टवेयर है जो किसी ने इंजीनियर ने बनाया होगा, उसको भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही कहेंगे, जिससे क्या होता है हम अभी बहुत सारे वीडियोज देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अब देखो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन देयर ऑन, कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं कर सकता है, दे रिक्वायर इंस्ट्रक्शन, इसे क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए जो कि हम देते हैं, टू वर्क एंड मैनेज द सिस्टम, सिस्टम को वर्क कराने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए, दिस वर्क इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये इंस्ट्रक्शन लेके कौन ऑपरेट, कौन मैनेज करता है उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। नेक्स्ट डू यू नो में दिया है हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच वी कैन स्टोर कंप्यूटर डाटा। हार्ड डिस्क क्या है, एक मैग्नेटिक डिस्क है जिसपे हम कंप्यूटर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होता है, याद रखना है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर किस टाइप का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो टाइप का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ रहे हैं, माइंड मैप हमेशा दिमाग में रखना, कॉपी में देखते रहना। अब देखो फर्स्ट है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसी के अंडर आता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर और यूजर के बीच में ये एक इंटरफेस बन के रहता है। इंटरफेस यानी कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन जब भी देते हैं तो कहीं पे क्लिक करके देते हैं या कहीं पे कुछ भी टाइप करके देते हैं, तो वो जो टाइप जहाँ पे होता है वो इंटरफेस कहलाता है, ठीक है, तो उसी पे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, और ये इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करता है, उसको लेता है हमसे। उसके बाद इट इंश्योर दैट कंप्यूटर सिस्टम इज कन्वीनियंट टू यूज, ये इंश्योर करता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है ईजी टू यूज हो, कन्वीनियंट यानी कि हमारे लिए आसान हो यूज करना। फोर्थ पॉइंट है एंड ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेस, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो, आर यूज इफिशियंटली, उसको इफिशियंटली यूज कर पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी है, इसको हम लोग अलग वीडियो में करेंगे, इसको भी हम अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लो, व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी तो स्पेस लेता है ना, तो वो कहाँ पे स्टोर रहता है, वो हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। लेकिन जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं वो क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, रैम जिसको बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है, लेकिन जब भी जैसे हम ऑन करते हैं वो रैम में आ जाता है, रैम में जो भी हमें डिस्प्ले पे दिखता है वो रैम में रहता है। अब देखो नेक्स्ट है डू यू नो में, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है, बूटिंग इज द प्रोसेस दैट स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम
व्हेन वी टर्न आवर कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में भी दिखाया है, हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से स्टोर रहता है। जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड। जैसे हम उसको बूट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और वो कहाँ पे आ जाता है? प्राइमरी मेमोरी में। उसके बाद यहाँ पे लिखा है द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स इन द प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम एंड रन्स आवर वेरियस एप्लीकेशन टिल वी स्विच ऑफ आवर कंप्यूटर। जब तक हम अपने कंप्यूटर को ऑफ नहीं कर देते हैं तब तक प्राइमरी मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, हमारा वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और सारे एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है या जब तक हमारा कंप्यूटर ऑफ नहीं हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरफेस। इंटरफेस है क्या? इंटरफेस वो सारा चीज़ है जिससे यूज़र अपना इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने यूट्यूब खुला हुआ है, यूट्यूब पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पॉज प्ले का बटन आ जाएगा, यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार आएगा, है ना। ये भी एक तरीके का इंटरफेस है जिससे तुम अपना इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकते हो। तुम इंस्ट्रक्शन दोगे कि यहाँ पे पॉज कर दो तो ये वीडियो पॉज हो जाएगा। अगर हम कंप्यूटर के इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारा आइकन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आइकन्स का। डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको भी हम इंटरफेस कहेंगे। इंटरफेस यानी कि किसी भी टाइप का इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को ब्राउज कर पाते हैं। यहाँ पे हमें क्विक टाइल्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिफिकेशन एरिया यहाँ पे मिलता है, बहुत तरीके का यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। तो इस तरीके का इंटरफेस मिलता है हमें विंडोज 10 में। अगर एंड्रॉयड का इंटरफेस देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, द टच स्क्रीन इंटरफेस ऑफ द मोबाइल अलाउज अस टू इंटरेक्ट विथ मोबाइल एप्स। हमारे मोबाइल का जो टच स्क्रीन है क्या अलाउ करता है? हमारे मोबाइल में जो भी एप्स इंस्टॉल्ड है उसको ओपन करने में, उसको यूज करने में ये जो टच स्क्रीन है वो हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको हम अलग वीडियो में करेंगे। रिसर्च एक्टिविटी भी अलग वीडियो में।